उन सदस्यों ने क्या अपना ये वोट नहीं डाला? तो ऐसे सदस्य बनाने से जिनकी आत्मा अपने आप को अच्छा भारत नहीं देना चाहती है, मुझे लगता है कि हमें इंतजार करने में ज्यादा भरोसा होना तब चाहिए। तो सब टाइम लगेगा, क्योंकि नहीं जब नहीं आपको नहीं 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 मनोज जी, एक बार ध्यान से सुनिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या मनोज कुमार मिश्रा को जितना करना चाहिए था उतना किया? क्या मनोज कुमार मिश्रा जी जहां अपने प्राइवेट जॉब के काम से जा रहे हैं, उस जॉब के खत्म होने के बाद 10 मिनट कोई औपचारिक चर्चा करके क्राइम फ्री भारत का वो वीडियो जो मनोज कुमार मिश्रा के दिल के नजदीक लगा, क्या उसे साथ बैठ के सुना? क्या बिल्कुल सुनते हैं क्या आपका सामने बिल्कुल। वालों के उसको सुनने के बाद क्या विचार बने? क्या उसके वीडियो बनाए? क्या वो वीडियो मैथिली शरण गुप्त को भेजे? क्या मैथिली शरण गुप्त ने उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया? क्या उसका जवाब बना के मैथिली शरण गुप्त ने दिया? और क्या वो जवाब उन लोगों तक पहुंचा जिनसे मनोज कुमार मिश्रा ने चर्चा की? सर इतने सारे प्रश्न जो आपके हैं इसमें तो देखिए माफ करिए नहीं हो पा रहा है। हाँ लेकिन चर्चा जरूर मैं करता हूँ, नहीं, आपको लेकिन कुछ लेकिन ये लोगों का बताइए, नंबर एक भी बताइए, मैंने जैसे दिया मान लो था आप जिस काम से गए हैं उसको जी। खत्म करने के बाद अब 10 मिनट हम आपका समय चाहते हैं, क्या आप लोग अपने आप को अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? क्या आप हमें इस काम के लिए 10 मिनट का समय देंगे? और ये काम आप तब करिए जब आपका काम खत्म हो गया है। सर मैं यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कद जो है आपके ग्राहकों के आपके कस्टमर बेस में बढ़ेगा कि आप केवल यहाँ अपने बिजनेस और प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं आए हैं बल्कि आपका और कुछ चिंतन भी है जिससे सबका भला हो सकता है। सर आप जो बात कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें, एक तो कैसा है कि मेरा मैक्सिमम टाइम ऑफिस में रहता है, अकेले बैठता हूँ, हमारे इंजीनियर जाते हैं। दूसरा हम लोग जिससे मिलते हो कंपनी के मालिक लोग होते हैं वो ये सब चर्चा सुनना ही नहीं चाहते, वो इतने बड़े आदमी हैं सर वो वो। कोई बड़े आदमी नहीं है, कल जो है चलो तो अपन एक काम कर सकते हैं, क्या खाली जी समय सर में अपन चिट्ठी बिट्टी बनाएं क्राइम फ्री भारत का, मैं आपको लेटर हेड की कॉपी भेज देता हूं, उसे प्रिंट करा लीजिए और लोकल जो है कॉलेज स्कूल वहां पे लिखा जाए कि साहब हम मैथिली शरण गुप्त को आमंत्रित करना चाहते हैं आपके यहाँ पर, तो क्या आप एक आयोजन कर लेंगे जिसमें मैथिली शरण गुप्त आपके चीफ गेस्ट होंगे और वो आपके बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आपको अच्छा भारत कैसे मिले? प्रिंसिपल को पत्र लिखा जा सकता है सर, आप जो है दूसरा कॉलेज कॉलेज स्कूल नहीं, पत्र अकेला नहीं, पत्र लिखिए, उनसे जाके मिलिए और उनको बताइए कि इस तरीके से उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और फिर हम उन बच्चों के माध्यम से माता पिता तक पहुंचे, तो ये एक तरीका हो सकता है। जैसे आप गौ संगठन से और हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, तो क्या हिंदू संगठनों में से कुछ जो अच्छे लोग हैं उनसे कह सकते हैं कि साहब एक आयोजन कर लीजिए कि आपको जो है हिंदू राष्ट्र कैसे मिलेगा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को भगा दिया जाएगा, वहां पर सभी लोगों को समान अधिकार होगा लेकिन बकवाद जैसी घटिया चीजें नहीं होंगी, संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए कानून विलोपित हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा भारत चाहिए? तो हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो आपके उसमें एज ए चीफ गेस्ट आएंगे और आपके साथ एक दो घंटे बिताएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब देंगे और यदि आपको बात भा जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे आरएसएस हो, जिन जिन से आपका व्यक्तिगत जुड़ाव है उनसे आप बात करिए। मैं सर देखिए माफ करिएगा, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, अगर आपके कोई जानने वाले लोग हैं उनको संपर्क करना मैं पड़ेगा। ये कह रहा हूं कि जिनसे आप कंफर्टेबल हैं, यदि आप सीनियर से कंफर्टेबल नहीं है तो आप जूनियर से बात करिए। नहीं ठीक है, मैं अगर नंबर देने से काम चलता हो सर तो वो कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन आप इतने बड़े बदलाव के लिए स्वयं अपनी भूमिका क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? हम चर्चा अब आपको मैं ये नहीं बोलना चाहता सर कि लोगों के उत्तर बड़े नकारात्मक आते हैं, रहने हमने दीजिए वो ना, सर आप मैं बिल्कुल वो मत सर जुड़िए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मत जुड़िए हमने भाई, दस हमने दस जो है संगठनों में से यदि एक संगठन बुलाएगा अपन पहुंचेंगे वहां पे, क्या दिक्कत है? हम पहले तो देखिए साहब उसके लिए तो लोग राजी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जब उनको बोलते हैं, कई सारे लोग हैं जिनसे हमने चर्चा किया तो
उनका कैसा है कि उनकी एक आम धारणा सी बन गई है कि लोग आते हैं बोलते, और ज्यादा खराब किया केजरीवाल ने, लोग आते हैं बोलते हैं नहीं, कैसे बात करते नहीं करते बिल्कुल सर। सही कह रहे हैं आप कि केजरीवाल ने हमारा बहुत बट्टा बिठाया है। उसने एक विश्वास की हत्या की है, जी सर, एक आशा की किरण की हत्या की है, उसने एक एक्सपेरिमेंट की हत्या की है। लेकिन सवाल यह है कि जो हत्या होना थी वो तो हो गई है ना। आज तो इन्हीं हालातों में बात करना पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो भी सोच है, क्या हम सोच बदल रहे हैं क्या? हम तो केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? इस प्रश्न का जवाब देने में क्या तकलीफ है? और यदि हम आपको कुछ कष्ट नहीं दे रहे हैं तो आप संकल्प और शपथ लेने में क्या दिक्कत है? आप जो भी छोटा मोटा प्रयास कर सकते हैं उसे कर लीजिए। यदि आपके प्रयास के बाद भी कोई नहीं जुड़ता तो हम तो कह रहे हैं ऐसे 90 करोड़ लोगों को प्रयास के बाद कोई नहीं जुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पूरी फिलॉसफी कि बिना भारत सरकार के खजाने के ये 5 मौलिक अधिकार पैदा हो सकते हैं, बिना भारत सरकार के खजाने पे एक वो पैसा बोझ लाए हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन नहीं 500 ट्रिलियन पे पहुंच सकते हैं, 500 ट्रिलियन, और भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वो समझा देंगे, और यदि आप नहीं जानना चाहते तो क्यों जानना चाहते हैं? क्या आप जो है इतने सारे आविष्कार हैं उनको जानते हैं? हवाई जहाज कैसे चलता है, क्या आप उसकी इंट्रिकेसी को समझते हैं? क्या वो कैसे नेविगेट करता है, कैसे ऑटो पायलट मोड में जाता है, क्या आप समझते हैं? लेकिन आप जो है हवाई जहाज में यात्रा करके आनंद लेना चाहते हैं। आप हवाई जहाज कैसे उड़ता है, हवाई जहाज कैसे नेविगेट करता है, कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे लैंड करता है, इन तकनीकों में ना तो आप समझते हैं ना आप समझना चाहेंगे। आप एक सुरक्षित सुविधाजनक यात्रा करना चाहेंगे, यही लाभ हम आदमी को देना चाहते हैं।